Welcome to the first lesson in this video series, Samasa Parichayaha. Have a look at these words. Armchair, Headphones, Handcuffs, Laptop, Sunglasses What is the distinguishing feature? These words are formed by combining two separate words. When two or more words are combined to make a single word, it is called as a compound word, or samasa in Sanskritam. Instead of saying a chair with arms, we use a shorter form, armchair. Sanskrit language makes ample use of compound words. Let's see some examples. Niraja pratidinam vyayamam karoti. खषीवल कार्यकुशल अस्त आकाशे तिष्ठति, अयोग्यम्, सरोवरे नीलकमल विकसति युतक फेनधवल अस्त परिवेशक पंचपात्र आनयती मूषकमर्जारौ धावता। पूजकः गणेशं गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयति पुस्तकहस्ता बालिका निद्रां करोति इन दीज एग्जांपल्स इंसटेड ऑफ सेइंग नीरजा दिने दिने व्यायामं करोति यू कैन से नीरजा प्रतिदिनं व्यायामं करोति इंसटेड ऑफ सेइंग सरोवरे नीलम कमलं विकसति यू कैन से सरोवरे नीलकमल विकसति इंस्टेड ऑफ सेंध चक्षता पुष्पा यू कैन से सो हियर दिने दिने इज़ विग्रह एंड प्रतिदिन इज समास। नीलम कमलम इज विग्रह एंड नीलकमल इज समास। गंध च पुष्पाइज विग्रह एंड गंधाक्षतपुष्पम इज समास। इन द सेम वे कार्यकुशला, कुशला कार्यकुशला योग्यम अयोग्यम जलम ददाईट जल फेन इव धवल फेनधवल पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्र मूषक च मजार च मूषकमाजारौ पुस्तक हस्ते यस्याहसा पुस्तक हस्ता पदानाम और कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू मेक अ सिंगल वर्ड इज कॉल्ड एज समास एंड समस्त पदस्य पृथक्करणम् Or splitting a compound word into two or more words is called as vigraha. In a samasa, the former component is called as purvapada and the latter component is called as uttarapada. In the next few lessons, let's learn different types of samasas. Dhanyavadaha, punarmilamaha.